हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जेटेक में। आज मैं जो यूपीएससी काउंसलिंग जो बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में उस स्कैम का पूरा खुलासा करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने क्या स्कैम किया है और आप भी स्कैम के एक पार्ट बने हो कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि पहले 5-5 राउंड की काउंसलिंग होती थी, यूपीएससी ने इसे घटा के 3 राउंड कर दिया। ये स्कैम का पहला, आप कह सकते हैं कि पहला स्कैम यही है कि भाई अगर आपको सीट्स फुल करनी है वो भी काउंसलिंग से, तो आपने काउंसलिंग के राउंड्स क्यों कम कर दिए। हर साल होता ये था कि मैक्सिमम सीट्स तो फिल होती थी, मतलब कॉलेजेस जो भरते थे वो काउंसलिंग से भरते, काउंसलिंग के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते थे। काउंसलिंग थी टाइम, मतलब मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें और फिर लें, और आपने 20 के रिफंड भी नहीं किए उनके। होता ये था कि हर साल 20 के रिफंड होते थे जो विड्रॉल करते थे, ये भी स्कैम है भाई। आपने फीस रिफंड नहीं किया 20 के। ठीक है, जिस बच्चे ने पार्ट लिया है उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। काउंसलिंग के बाद आपने पूरी डिटेल्स सही से नहीं बताई, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग 2 होने जा रही है। ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रिलेटेड वैकेंट सीट्स हर साल होता था, ये था वैकेंट सीट्स की पूरी डिटेल मेंशन रहती थी। ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद पूरा डिटेल आता था कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं और PI एडमिशन कितने बच्चों ने लिया है नहीं लिया है। कोई भी वो एक सिंपल सा उन्होंने वो बना दिया कि आप नॉर्मल एक कट ऑफ देख लें कि कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, भाई उससे क्या पता चल रहा है। ठीक है, और हुआ ये कि लास्ट राउंड में सबने क्या डायरेक्ट ही एडमिशन ले लिया। ठीक है, और मैक्सिमम सीट्स भरी डायरेक्ट। अब आप इसमें बच्चों का क्या हुआ, पूरा नुकसान बच्चों का हुआ। आप अपना सिर पकड़ें कुछ भी करें, उन्हें तो बस सीट्स फुल करने से मतलब है। लोग बढ़ते जाएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी, सीट्स फुल होते रहेंगे। UPTU को इससे मतलब नहीं है कि उनके जेन्युइन जो काउंसलिंग के थ्रू आए हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस सीट फुल करना है, उन्हें बस सीट।